हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल राजस्थान क्लासेस में। आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे कूलिंग टावर के बारे में कि कूलिंग टावर क्या होता है एंड ये कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से कूलिंग टावर का यूज कहाँ पे किया जाता है, ठीक है, एंड इनकी वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। थोड़ी लंबी जा सकती है वीडियो, लेकिन लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कूलिंग टावर होता क्या है। तो कूलिंग टावर बेसिकली एक स्पेशल टाइप का हीट एक्सचेंजर होता है, या बोले तो एक हीट रिजेक्शन डिवाइस होता है, जो कि वाटर के टेम्परेचर को डाउन करता है, ठीक है। वाटर के टेम्परेचर को डाउन करता है, और वाटर के टेम्परेचर को डाउन करने के लिए वाटर और एयर को, दोनों को क्या करते हैं, एयर और वाटर को आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लाते हैं, और जो एयर होता है वाटर के हीट को एब्जॉर्ब करके वाटर का टेम्परेचर डाउन करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हीट ट्रांसफर होता है एयर एंड वाटर के बीच में, ठीक है, और एयर वाटर का टेम्परेचर जो होता है वो डाउन हो जाता है, ठीक है। ये होता है कूलिंग टावर, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि कूलिंग टावर कितने टाइप्स के होते हैं। तो कूलिंग टावर मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं, देखिएगा। पहला जो होता है नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, एंड जो सेकंड होता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर, एंड जो थर्ड होता है वो होता है फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर, ठीक है। ये थ्री टाइप्स के होते हैं। वैसे होने के लिए और भी टाइप्स होते हैं कूलिंग टावर के, जैसे फ्लो के अकॉर्डिंग क्रॉस फ्लो होता है, काउंटर फ्लो होता है, लेकिन जो मेन टाइप्स होते हैं वो यही तीन होते हैं। तो इन्हीं तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये थ्री टाइप्स के कूलिंग टावर होते हैं। इनमें देखिए थोड़ा सा इस पर हम नज़र डालते हैं, इनके डिफरेंस के बारे में हम आपको बता दें कि देखिएगा, अगर जो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर होता है, अगर इन तीनों को पहचानने का तरीका हम आपको बताएं, तो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में कोई भी फैन नहीं लगा रहता है, ये एक हाइपरबोलिक शेप का होता है। देखिएगा इस फिगर देख सकते हैं आप, ऐसे हाइपरबोलिक शेप का होता है, इसमें कोई भी मैकेनिकल फैन वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। एंड जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर होता है, इसमें देखिएगा क्या होता है, टॉप पे जो कूलिंग टावर रहेगा उसके टॉप पे एक फैन लगा दिया जाता है, ठीक है। ऊपर क्या होता है, एक फैन लगा रहता है। और जो फोर्स ड्राफ्ट होता है, इसके साइड में एक फैन लगा दिया जाता है, ठीक है, इसके साइड में फैन लगा दिया जाता है, ठीक है। ये तो पहचानने का तरीका होता है। बाकी इनका जो यूज होता है वो यूज टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है, टेम्परेचर का वेरिएशन किसमें ज्यादा होता है किसमें कम होता है उसके अकॉर्डिंग इसका यूज करते हैं। जैसे देखें नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर जो होता है ये मेनली थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है, जैसे जो पावर स्टेशन होते हैं वहां पे नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर का यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर होते हैं इनका जो टेम्परेचर होता है ना, जो टेम्परेचर डाउन करने की क्षमता होती है मतलब वाटर की, वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। मतलब ये लगभग 45-50 तक रखते हैं, अगर मतलब मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है तो वो टेम्परेचर जा सकता है, लेकिन अगर इन तीनों में तीनों के कंपैरिजन में बताएं तो सबसे कम टेम्परेचर डाउन इसका जाता है नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर का, और उससे ज़्यादा टेम्परेचर डाउन इंड्यूस्ड ड्राफ्ट का होता है। ये लगभग इंड्यूस्ड ड्राफ्ट का 30 तक 28 तक आ जाता है, अगर मौसम ठीक ठाक है तो, मतलब थोड़ा ठंडा है तो, ठीक है, और भी नीचे जा सकता है, ठीक है। एंड जो फोर्स ड्राफ्ट होता है ये और ज़्यादा टेम्परेचर डाउन जा सकता है, ठीक है। तो जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, वहाँ पे नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हमें कम नहीं चाहिए होता है। वैसे भी ऑलरेडी वहाँ पे बहुत हायर टेम्परेचर पे वर्क होता है, जैसे 400, 500, 600, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है, तो वहाँ कूलिंग की आवश्यकता जो होती है हमारा 45 से 50 डिग्री में उनका सफिशियंट होता है उतना, उससे ज़्यादा टेम्परेचर डाउन जाएगा तो उनके लिए कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है। तो इसलिए वो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर यूज करते हैं। और नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर का एडवांटेज भी है कि इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम आती है, ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी बहुत कम आती है, और इसकी जो कैपेसिटी होती है मतलब कूलिंग करने की वाटर की, वो बहुत ज़्यादा होती है। लार्ज अमाउंट में आप कूलिंग वाटर को कूल कर सकते हैं, और थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं उसमें लार्ज अमाउंट में कूलिंग करने की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये प्रेफर्ड करते हैं नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर को, ठीक है। एंड जो केमिकल इंडस्ट्री या देखेंगे मतलब जो उसके बाद जो इंडस्ट्रीज है, जैसे आप फर्टिलाइजर्स देखिए, केमिकल इंडस्ट्रीज देखिए, फार्मा देखिए, उन सबों में सबसे ज़्यादा इंड्यूस ड्राफ्ट कूलिंग टावर को यूज करते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो कूलिंग के लिए, जो यूटिलिटी के लिए जो कूलिंग यूज किया जाता है उसके लिए इंड्यूस ड्राफ्ट कूलिंग टावर यूज करते हैं, जिसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन तक जाता है। जैसे आपको हम बताए हैं कि नॉर्मली आप माने तो 30 से 40 तक इसको मान सकते हैं, 30 से 40, अगर बहुत ज़्यादा मौसम ज़्यादा गर्म है तो 45 भी जा सकता है, लेकिन 30-40 आप मान सकते हैं, ठीक है। और सबसे कम इसको यूज करते हैं फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर को, इसको बहुत ऐसे जगह पे यूज करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होना चाहिए होता है, जैसे ये लगभग 20 तक भी आ सकता है और भी डाउन जा सकता है, ठीक है। तो ये हम सबसे ज़्यादा आपको बताएं तो इंड्यूस ड्राफ्ट कूलिंग टावर ही देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर वहाँ पर यूज करते हैं, ये भी मतलब केमिकल इंडस्ट्रीज में, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज में भी इसका ज़्यादा यूज किया जाता है, जहाँ चीलिंग प्रेफर्ड नहीं कर पाते हैं
ठीक है, तो ऐसे जगहों पे यूज करते हैं, मतलब या बोल सकते हैं जहाँ पे रिएक्शन ज़्यादा कम टेम्परेचर पे होता है, जहाँ चीलिंग भी आप नहीं लगा सकते हैं, कूलिंग पे ही आपको करना है, तो वहाँ पे आप फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर यूज करते हैं। बाकी जो अदर इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे आपको हम बताएं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, एग्रोकेमिकल, फार्मा केमिकल, ठीक है, इन सब में जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो रिएक्शंस होती हैं उनका एक क्राइटेरिया रहता है, इतने टेम्परेचर पर रिएक्शन कराना है, तो उसके लिए इंड्यूस ड्राफ्ट कूलिंग टावर यूज करते हैं। ठीक है, और जो आपको पहला नंबर बताया कि नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर होता है, इसका यूज जो होता है ये थर्मल पावर प्लांट मेनली, तो थर्मल पावर प्लांट में ही यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं डाउन उनको चाहिए होता है। ठीक है, तो ये तो रही टाइप्स के बारे में, इनके डिफरेंस के बारे में। अब देखिए बात करेंगे फर्स्ट नंबर पे जो है नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। ठीक है, तो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को हम रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो इस वीडियो में पहले नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आप जो देख रहे हैं फिगर, ये नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर का है। तो आज हम इसके बारे में बताएंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो देखिए ये जो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है, इसका जो शेप होता है, शेप देखिएगा, ये हाइपरबोलिक टाइप का शेप होता है। ये हाइपरबोलिक बनाने का रीजन होता है इसका, तो देखिए रीजन क्या होता है कि इसका मेन रीजन जो होता है, एयर का जो फ्लो होता है, एयर के फ्लो को, यानी कि एयर के फ्लो को अपवर्ड डायरेक्शन में तेज करने के लिए, मतलब उसके अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाने के लिए इस टाइप का बनाते हैं। अभी आपको बताएंगे, जब वर्किंग आपको बताएंगे तो पता चलेगा कि कैसे एयर का फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होता है। यानी कि एक वर्ड में बोलें तो जो हाइपरबोलिक शेप होता है, इसको बनाते हैं एयर के फ्लो को अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, इसके लिए इसको बनाते हैं। ये जो होता है कंक्रीट का बना होता है, ये पूरा कंस्ट्रक्शन कंक्रीट का होता है। ठीक है, तो इसके पार्ट्स जान लीजिएगा। देखिए एक सेल होता है, ये हाइपरबोलिक जो होता है सेल होता है। ठीक है, और इसके नीचे देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ऐसे कैंची टाइप में, ये सपोर्ट होता है, ये जो होता है कूलिंग टावर का सपोर्ट होता है, और ये एक हाइट पे रहता है, लगभग 20-25 फीट पे रहता है, 20 फीट 15 फीट ऐसे रहता है, ताकि इसमें से एयर आसानी से जा सके। ठीक है, और ये आपका जो अर्थ का सरफेस रहता है, ठीक है, और उसके नीचे जो होता है ये वाटर सम्प होता है। ठीक है, वाटर सम्प होता है जहाँ पे वाटर आपका इकट्ठा होता है। ठीक है, जो कूलिंग वाटर होता है यहाँ पे इकट्ठा रहता है। ठीक है, मतलब कलेक्ट होता है। ठीक, और ये आपको बता दें कि ये सपोर्ट होता है। ठीक, ये कूलिंग टावर का सपोर्ट होता है। सपोर्ट के ऊपर देखिए क्या लगा रहता है, फिल्स लगी रहती हैं, उसके ऊपर फिल्स लगी रहती हैं। ये फिल्स का काम क्या होता है, फिल्स एक प्रकार का पैकिंग्स होता है, एक पैकिंग होता है। ठीक है, जिसको अगर आप ऊपर से देखेंगे टॉप से, तो मधुमक्खी के छाते जैसे दिखता है। ठीक है, तो ये पैकिंग होता है। इसका वर्क होता है कि एयर एंड वाटर का कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ाना। ठीक है, एयर और वाटर का जो होता है कॉन्टैक्ट टाइम इंक्रीज करना, जिससे हीट ट्रांसफर प्रॉपर तरीके से हो सके। ठीक है, मतलब अच्छी तरीके से हीट ट्रांसफर हो सके, तो ये कॉन्टैक्ट टाइम को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर देखिएगा ये स्प्रे नोजल्स लगे हुए हैं, ये स्प्रे नोजल्स लगे होते हैं, जो कि जो इंडस्ट्री से, मतलब जो प्लांट से वाटर आता है हॉट वाटर, उसको क्या करता है, स्प्रे करता है। ठीक है, उसको क्या करता है, इस फील्ड्स पे स्प्रे करता है, यानी रेन होता है, मतलब यहाँ वर्षा टाइप में यहाँ पे क्या होता है, ये वाटर क्या होते हैं, स्प्रे होते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर देखिए क्या लगा रहता है, ये ड्रिप्ट एलिमिनेटर लगा रहता है, ड्रिप्ट एलिमिनेटर। ये ड्रिप्ट एलिमिनेटर का वर्क क्या होता है कि जो नीचे से वाटर का वेपर जो होगा, वेपर्स जो होंगे वो एयर के साथ जो ऊपर जाते हैं, उनको क्या करता है, ड्रिप्ट एलिमिनेटर उनको ट्रैप्ड कर लेता है, मतलब उनको रोकता है। ठीक है, उनको ऊपर नहीं जाने देता है, ओनली एयर को ऊपर जाने देता है। ठीक है, तो ये तो रहे इन पार्ट्स और इनके वर्क। और इस इधर देखिए एक चीज़ और देख लीजिए, इधर क्या है कि पंप है, पंप से क्या करते हैं, जो सम्प होता है, सम्प से जो कूलिंग वाटर होता है, उस कूलिंग वाटर को आप प्लांट में भेजते हैं। जैसे आप यहाँ पे हम शो कर दिए हैं कंडेंसर या हीट एक्सचेंजर, लेकिन आप यहाँ पे सपोज कर सकते हैं कि प्लांट है, या मान लीजिए यहाँ पंप है, पंप से प्लांट में गया, प्लांट में कहाँ यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हीट एक्सचेंजर में यूज हो सकता है, कंडेंसर में यूज हो सकता है, और जहाँ जहाँ यूज करना है वहाँ पे कूलिंग वाटर यूज होगा। ठीक है, यूज होने के बाद मतलब यूटिलिटी के रूप में यूज हुआ, और यूज होने के बाद उसका टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, मतलब हॉट हो जाता है, या बोले तो वार्म हो जाता है, तो वो हॉट वाटर फिर क्या करते हैं, उसको हमें कूलिंग करने की जरूरत होती है, तो उस हॉट वाटर को फिर हम लाते हैं कूलिंग टावर में। ठीक है, कूलिंग टावर में लाते हैं, जहां वो डाउन होता है, जिसका टेम्परेचर डाउन होता है। आपको पहले भी हम आपको बताएं कि कूलिंग टावर का क्या होता है कि वाटर के टेम्परेचर को डाउन करता है। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है ये आपका प्लांट का सेक्शन मान सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर बना दिया हूँ कि आप समझ सकें कि हाँ ये प्लांट से आ रहा है वाटर जो कि हॉट होके आ रहा है। मेन आपको समझना है कूलिंग टावर कैसे वर्क करता है, तो ये समझिए। अब यहाँ से प्लांट से क्या आया, या आप बोलें तो हीट एक्सचेंजर या कंडेंसर से हॉट वाटर आया। ठीक है, अब ये हॉट वाटर जो होगा यहाँ से स्प्रे होगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, स्प्रे होगा। ठीक, अभी देखिए, अब ये जो
हाइपरबोलिक शेप बनाए हैं, इसमें देखिए नीचे का जो एरिया होता है ये ज़्यादा लेते हैं, नीचे का एरिया ज़्यादा होता है, तो देखिए एयर क्या होगा, ये नीचे आके भर जाएगा, मतलब एयर इधर आएगा, ठीक। और इसका जो हाइट होता है, इसका जो हाइट होता है बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 150 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर से भी ज़्यादा हाइट हाइट के ये कूलिंग टावर्स होते हैं, ठीक है। तो हाइट बहुत ज़्यादा होती है इसकी, ठीक है। तो हाइट ज़्यादा होने के कारण इसमें एक देखिए क्या होगा, आपको पता होगा कि जितने ऊंचाई पे आप जाएंगे तो ऊंचाई पे क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, कम होते जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है वैसे वैसे कम होता चला जाता है, ठीक है। तो जो टॉप पे ये मान लीजिए इसकी हाइट है, काफ़ी ज़्यादा हाइट है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा ये यहाँ के अपेक्षा कम होगा, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस के कारण मतलब हमेशा एयर कहाँ पे फ्लो होगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट में तो एयर आ गई, उसके बाद क्या होगा ये ऊपर की ओर फ्लो होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी फ्लो होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि प्रेशर कम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और क्या काम हो जाता है, अब ये ऊपर की ओर तो फ्लो होगी, ठीक। तो अब ऊपर की ओर फ्लो होगी तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका फिल्स मिल जाता है, यानी कि पैकिंग जो होती है, अब ये पैकिंग में आएंगी एयर और ऊपर से स्प्रे हो रहा वाटर, अब वाटर और ये एयर दोनों यहाँ पे पैकिंग में कांटेक्ट में आएंगी, डायरेक्टली कांटेक्ट में आएंगी और हीट एब्जॉर्ब करेगा एयर, ठीक है। वहाँ से कुछ इवेपोरेशन भी होगा, ठीक है, और ये क्या होगा कि वाटर का टेम्परेचर डाउन होगा, डाउन होकर वाटर यहाँ पे नीचे आके इस बेसिन में कलेक्ट होता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से एयर देखिए जब यहाँ ऊपर जाएगी, यहाँ से मतलब फिल्स से जब ऊपर निकलेगी तो एयर का जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, एयर का जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो हीट को क्या की एब्जॉर्ब की है, तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा अपेक्षा कंपैरिजन टू एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर से एयर या जो पहले एयर एंटर यहाँ पे की है उसकी अपेक्षा जो ये यहाँ से एयर निकलेगी उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो आपको पता है कि जब एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब गैस का जो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो क्या होगी हल्के होंगे, उनकी मतलब डेंसिटी कम होगी, तो जो यहाँ पे जो एयर होगी इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और जो ये यहाँ से एयर एंटर कर रहे हैं उन एयर की डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे क्या होगी दोनों एयर में डेंसिटी का डिफरेंस हो गया। तो डेंसिटी क्या होती है, मतलब जिस एयर की डेंसिटी कम होगी तो हायर डेंसिटी वाला एयर लोअर डेंसिटी वाले एयर की ओर तेजी से फ्लो होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब क्या क्या चीज़ें काम करेंगी, प्रेशर डिफरेंस मतलब प्रेशर भी यहाँ पे कम है और यहाँ पे जो एयर है उसकी डेंसिटी भी कम है, तो और यहाँ पे जो एयर है उसका डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये और ज़्यादा ऊपर डायरेक्शन में मतलब ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो होंगे। और तीसरा चीज़ क्या हो जाता है, इसको हाइपरबोलिक बनाते हैं। हाइपरबोलिक में देखिए क्या होता है कि यहाँ लार्ज अमाउंट में एयर आ गया, उसके बाद जैसे जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है वैसे वैसे देखिए क्या कर रहे हैं, इसका एरिया कम करते जा रहे हैं, एरिया कम करते जा रहे हैं। तो जब एरिया आप कम करेंगे तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एयर की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होती जाएगी। तो इससे बेनिफिट क्या होता है देखिएगा, तो जैसे जैसे एयर का वेलोसिटी इंक्रीज होगा वैसे वैसे एयर और तेजी से ऊपर उठेगा। अब एयर की वेलोसिटी इंक्रीज करने में देखिए क्या क्या काम कर दिया यहाँ पे, एक तो हाइपरबोलिक शेप, दूसरा चीज़ क्या कि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस काफ़ी हाइट की वजह से, और तीसरी डेंसिटी डिफरेंस, एयर की डेंसिटी डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे हॉट एयर हो जा रही है, यहाँ पे क्या हो जा रही है हॉट एयर हो जा रही है, ठीक है, तो इसकी डेंसिटी कम हो जा रही है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में तेजी से वेलोसिटी बढ़ रही है, तो जितना तेज ये फ्लो होंगे ऊपर उतने ही तेजी से इधर से जो एयर होंगे, जो एटमॉस्फेयर में जो एयर हैं वो और तेज सक होंगे, ठीक है, मतलब उतने तेज एयर और ज़्यादा सक होंगे, और जो वाटर यहाँ से हॉट वाटर आ रहा है उसको नए नए मतलब नए एयर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है, तो और अच्छे से हीट ट्रांसफर हो सकेगी, ठीक है। तो मतलब एक प्रकार से आप बोल सकते हैं हाइपरबोलिक शेप बनाने से एक तो जो एयर की वेलोसिटी होती है डायरेक्शन में इंक्रीज होती है, और दूसरा जो इस कूलिंग टावर की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, ठीक है, जिससे कूलिंग टावर की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, मतलब वो और ज्यादा अच्छे तरीके से कूलिंग करता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, देखिए वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और एयर अपवर्ड डायरेक्शन में उड़ता जा रहा है। अब फिर देखिए ऊपर क्या होता है, इसको फिर से इसके एरिया को फिर से बढ़ाते रहते हैं, मतलब पहले एरिया को डिक्रीज किए फिर एरिया क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं। अब फिर एरिया इंक्रीज करने की क्या जरूरत है, वो देखिए क्या जरूरत रहती है, अगर हम एरिया नहीं इंक्रीज करेंगे सेम वेलोसिटी से वो जाएगा तो होगा क्या कि यहाँ पे ये जो वाटर को एब्जॉर्ब मतलब हीट ट्रांसफर हुआ उसके बाद इसमें से कुछ वाटर का मॉलिक्यूल्स जो होंगे वेपर्स जो होंगे वो एयर के साथ तेजी से बाहर की ओर निकलेंगे, मतलब ऊपर की ओर जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी है, ठीक है, तो ऊपर की ओर जाएंगे, कुछ तो ड्रिप्ट एलिमिनेटर अपना वो करेगा, मतलब क्या बोलते हैं
कैच कर लेगा, मतलब एयर के वेपर्स को क्या करेगा वो कैच कर लेगा, लेकिन कुछ और ज़्यादा निकलते रहेंगे। तो उसके लिए अगर हम वेलोसिटी नहीं उसका डिक्रीज करेंगे तो देखिए एयर का ये जो एरिया हम जब इंक्रीज करते हैं तो एयर की वेलोसिटी क्या होती है यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है, यहाँ पे जाके एयर की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो जैसे जैसे एरिया फिर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे एयर की वेलोसिटी डिक्रीज होने लगती है, तो उसमें जो वेपर्स होते हैं वो ऊपर नहीं जाते हैं, ओनली एयर ही ऊपर जाता है, ठीक है। तो इस ऐसे ये वर्क करता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक। और आप ये भी समझ गए कि मतलब क्यों इस टाइप का यूज किया जाता है जो थर्मल पावर प्लांट में, क्यों ऐसी इसी टाइप का यूज करते हैं, वो आपको पहले ही हम बता दिया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम डिस्कस करेंगे इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर के बारे में।